दिल्ली में कोरोना वायरस के घटते मामलों को देखते हुए अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 31 मई यानी सोमवार से धीरे धीरे लॉकडाउन हटाया जाएगा। सोमवार सुबह 5 बजे के बाद से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जा सकता है, फैक्ट्रियां भी खोली जाएंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि पिछले 24 घंटों में करीब 1100 नए कोरोना के मामले आए हैं। दिल्ली में संक्रमण का दर 1.5% के करीब है। ऐसे में अब समय आ गया है कि अनलॉक किया जाए। उन्होंने कहा कि सोमवार की सुबह 5 बजे तक दिल्ली में लॉकडाउन है, उसके बाद दिल्ली धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ेगी। डीडीएमए की आज बैठक हुई थी जिसमें ये फैसले लिए गए। केजरीवाल ने कहा कि धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों को शुरू किया जाएगा। लॉकडाउन खोलने में सबसे ज्यादा उन वर्ग का ख्याल रखना है जो दिहाड़ी मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं। उन्होंने कहा कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रियों को 1 सप्ताह के लिए खोला जाएगा। विशेषज्ञों और जानकारों के सुझाव के आधार पर अनलॉक धीरे धीरे किया जाएगा। इसे तब तक खोला जाएगा जब तक कोरोना के मामले फिर से नहीं बढ़ने लगे। सीएम ने कहा कि अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो लॉकडाउन फिर से लगाया जा सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जब तक जरूरत नहीं हो तब तक घरों से बाहर नहीं निकले। दिल्ली में गुरुवार को पिछले 2 महीने के मुकाबले सबसे कम नए पॉजिटिव मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 1072 नए मामले सामने आए, जबकि अब दिल्ली में रिकवरी रेट करीब 3 गुना तक बढ़ गया है। 24 घंटे में रिकवरी करने वाले मरीज 3725 ठीक हुए हैं। वहीं 117 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। अब दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट घटकर 1.50% हो गया है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 30 मार्च के बाद एक दिन में सबसे कम केस गुरुवार को मिले हैं। 24 घंटे में 1072 नए केस मिले, वहीं 3725 रिकवर हुए, जबकि 117 की संक्रमण से मौत हुई है। दिल्ली में अब तक कोरोना से 14,22,549 लोग संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 13,82,359 लोगों इस वायरस से ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 23,812 मरीजों की मौत हो चुकी है। यहां 19,148 का इलाज चल रहा है।